ऐसी तो बजाते तेरे बजा दूंगी, फिर मैं बोलूंगी ऐसे ही तो बजाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉम्सन व्लॉग्स। गाइज आज आप मुझे देख सकते हैं कि थोड़ा सा लुक चेंज है, क्योंकि मैं वो इसलिए क्योंकि मैंने आज अपने जो है काफी टाइम बाद अपने जो है स्पेक्स लगा रखे हैं। मेरी आई साइट थोड़ी सी वीक है, दूर की, पास की ठीक है, बस दूर की थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ कभी कभी। बस अभी जो है मैं अभी टीवी देख रही थी इसीलिए मैंने लगा लिया। बाकी जो है अभी जो कनिष की सारी ऑनलाइन क्लास हो चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। ये ऊपर ऊपर क्यों खा रहा है तू? ये ऐसी तो बजाते तेरे बजा दूंगी, फिर मैं बोलूंगी ऐसे ही तो बजाते हैं। तेरे बजेंगे फिर अच्छे खासे, ये ध्यान रखना। तुझे बजाऊंगी फिर मैं। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि यार मैं इतनी खुश क्यों है गाइस ना आज। हाँ आज थोड़ा हैप्पी मोमेंट हो गया हमारे। आज क्या हुआ, कल आपने सुन देखा ही होगा, मम्मी ने ब्लॉग नहीं शुरू करने वाली थी, पापा का एकदम से फोन आया कि वो लैपटॉप ठीक हो गया, उसके अंदर नया हार्ड डिस्क डलवा दी है इंटेल कोर की। एंड जो हार्ड डिस्क थी ना, मतलब वो जिस इंजीनियर के पास लेकर गए थे पापा, तो उन्होंने बोला है इंजीनियर ने कि हार्ड डिस्क में से डाटा निकल जाएगा। तो मम्मी बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मम्मी तो बताने नहीं वाली थी, मम्मी का तो मूड खराब हो रखा है, जैसे मम्मी ने बोला मम्मी को इंटरनेट चलेगा, तभी फिर मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। इसीलिए अभी दोपहर हो रही है, अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी कनिष ने अभी आधे घंटे बाद अपनी कोचिंग क्लास के लिए भी जाना है। तो गाइज अभी ना फाइनली पापा आ चुके हैं घर वापस लैपटॉप को लेकर, तो चलिए लैपटॉप निकाल लिया जाए। अब चलिए लैपटॉप को निकाल दिया जाए, निकल चुका है लैपटॉप, इसको जहाँ पर साइड में रखते हैं और चलिए इसका स्टार्टअप करते हैं। तो गाइज चलिए हम अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, हम टेबल पे आ चुके हैं। ओपन तो वैसे ही हो रहे हैं, बट ये सेम ही रहेगा, बट चेंजेस काफी ज्यादा होंगे, फास्ट हो जाएगा एंड काफी सारे मतलब आ जाएंगे। अरे वाह, बट ये जो है मेरे नाम वाम अब सारे माइक्रोसॉफ्ट आईडी फिर से डालनी पड़ेगी, है ना मम्मी? क्योंकि अब तो पूरा डाटा ही उड़ गया ना। बट हालांकि वो डाटा तो रिकवर कर लेंगे, बट मैं ना अब इसको बिल्कुल नया बनाना चाहता हूँ। गाइस देखिए वो ऑलरेडी नया हो चुका है। हाँ, तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सब अपने आप ही आ चुके हैं, मतलब जो इनबिल्ट लैब्स थे। और इसमें और बड़ा मजा कनिष वो, लेकिन वो जूम उसको डाउनलोड कर लेंगे, वो अभी मुझे आता है, मुझे आता है, करके चेक करो पहले, जूम वगैरह डाउनलोड करो क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है बेटा। तो गाइज अभी चलिए हम गूगल क्रोम को एक बार खोल के देखते हैं एंड डाउनलोड करते हैं जूम ऐप, क्योंकि स्टडीज के लिए ना जूम जरूरी है। इसके अंदर तो गाइज अभी जो है आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ना अपना पूरा सेटअप कर दिया। मम्मी दिखाओ, देखिए सारे एप्स मैंने डाल दिए हैं अपने लैपटॉप में। एंड गाइज एक चीज ना मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, अभी इसके अंदर जो है डला हुआ है SSD कार्ड, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में बोला था पापा इसके अंदर SSD कार्ड या हार्ड ड्राइव डलवा के दिएंगे, तो पापा SSD कार्ड डलवा के ला चुके हैं। पर जो पुरानी वाली हार्ड ड्राइव थी वो अभी हमारे पास है, जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है वह पुरानी वाली हार्ड ड्राइव जो है। अब ये जो हार्ड ड्राइव है अब जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है और ये पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं है। बट गाइस एक चीज और कि गाइस इसके अंदर ना हमारा डाटा है, तो पापा ने जैसे पूछा था तो फिर उन्होंने जो इंजीनियर है उन्होंने बताया था कि ये जो है इसके अंदर से डाटा निकाल दिया जाएगा, मतलब वो निकाल सकते हैं किसी पेन ड्राइव या किसी भी चीज में, बट उसकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो फिर मतलब हमारे पास हमारा डाटा मिल जाएगा इस पेन ड्राइव से, तो अभी ये हमारे लिए बहुत कीमती है क्योंकि सारा डाटा इसी के अंदर है। हालांकि लैपटॉप में तो मैं फिर से नहीं डालने वाला ये डाटा, अब लैपटॉप तो बिल्कुल नया ही हो जाएगा, लेकिन ये जो हम पेन ड्राइव में डाल देंगे ना, एक है ना। हाँ, सारा पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे, और डाटा नहीं चाहिए मैंने इसके अंदर वो कर लिया है इतना। और इसमें एक चीज और अच्छी हो गई है गाइज, इस वाले लैपटॉप की जो रैम थी वो थी पहले 4 GB और अब हो गई है 1 TB। ओ माय गॉड, 1 TB, ओ सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब जितना मर्जी डाउनलोडिंग करो इसके अंदर, मतलब मजा आ जाएगा अब तो इस लैपटॉप को चलाने में सीरियसली। हाँ।
एंड गाइस लेकिन इसके अंदर इसको हमने जो है अभी संभाल के तो रखना पड़ेगा है ना मम्मी, तो क्योंकि इसे पेन ड्राइव में डालेंगे इसका सारा डाटा, और इसमें तो नहीं डालेंगे पेन ड्राइव में डालेंगे तो बस पेन ड्राइव को, लेकिन मम्मी बहुत संभाल के रखना पड़ेगा उसके अंदर। वो मैं अपने पास रखूंगी तुझे तो बिल्कुल देना ही नहीं है मैंने कि बाद में बोले कि नहीं मुझे अपना भी डाटा सेव करना है मम्मी, मैं भी कुछ वीडियोस बनाता हूं उसके लिए। हाँ बस यही पेन ड्राइव खेलेंगे फिर है ना। तो मैं यही कह रहा था कि बस अब जो है हमें उस पेन ड्राइव को सबसे ज्यादा सेफ रखना होगा, और फिलहाल ये हार्ड डिस्क तो मम्मी ये लो आप अपने हाथों में और इसको सेफ जगह पर रख दो, फिर पापा कल ले जाएंगे और फिर कल सारा डाटा निकलवा के ले आएंगे। ये मैंने ले ली है हार्ड डिस्क। तो गाइस अभी मैंने अपने लैपटॉप को ना चार्जिंग पे लगा दिया है ताकि ये जो सुबह मैं काम कर सकूं, और अभी मुझे ना फिलहाल कुछ इसके अंदर काम करना था, मुझे क्या करना था मैं आप सभी को बताता हूँ एक मिनट। तो गाइस जो काम मुझे करना था वो ये था कि जो जूम ऐप है उसके अंदर ना ब्लर फीचर मैंने काफी सारे देखा है कि आता है, मतलब ब्लर हो जाता है पूरा बैकग्राउंड, तो मुझे भी ना वही करना है। तो जूम वूम मैंने डाउनलोड कर दिया पूरा, मतलब रेडी कर दिया मैंने अच्छे से अपने लैपटॉप को, एंड फिर अब बस मुझे वही करना है, यानी कि मुझे एक और चीज़ करनी है इसका, यहाँ पर नाम बदल के कनेक्ट करना है, पता नहीं विंडोज ही दिखा रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो जूम वाला काम भी करना ही है। तो अभी खाना वाना हो चुका है मेरा, तो इसलिए अभी मैं बैठ चुका हूँ इस स्टील से, और गाइस देखिए मेरा वॉलपेपर जो मैंने लगा रखा है लैपटॉप पे। तो गाइस अभी आपको देखने को मिलेंगे मेरे बदलते अंदाज, मतलब बदलता रूप। गाइस देखिए गाइस मेरे आईब्रोज कितने बड़े बड़े हो गए, गाइस देखिए ये देखिए आईब्रोज का कलर भी इसमें बदल जाता है, एंड ओपेसिटी भी बदल जाती है। मम्मी आप भी आ जाओ ऐसे के देख रहे हो, एंड ये भी हमारे जो है बियर्ड भी आ जाते हैं जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी आप भी आके देखो, ओए मुस्टैश लगा दी, हाय ये गाइस बड़ा बढ़िया होता है, ये वो मैं फीचर सबसे ज्यादा अच्छा यही लगते हैं, दाढ़ी आ जाती है। मम्मी कैसे लग रही दाढ़ी में दिखाई, ओह माय गॉड, करना 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 नो, ए भाई बना रहा तो गाइस फाइनली आज हमारा जो है लैपटॉप ठीक होके आ चुका है, आज हम बहुत ज्यादा 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 खुश हैं, मतलब ज्यादातर तो कनिष्क खुश है क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत होती है, मम्मी भी खुश है कि रिकवरी हो जाए। यस मुझे ये सुन के ज्यादा खुशी हुई कि हमारा जितना भी डाटा था वो रिकवर हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बाकी आज का जो व्लॉग है एंड करने का टाइम हो चुका है। तो मम्मी अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मैं आपको कनिष को भी मिलवा देती हूँ, सॉरी मैं आपसे कन्नू से मिलवा देती हूँ